ये आदमी एक नाग राक्षस है। इन्हें हमेशा ही ठंड लगती है, भले ही मौसम कितना भी गर्म क्यों ना हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो तुरंत ही बर्फ की मूर्ति में तब्दील हो जाएंगे। सभी नाग राक्षस सर्दी के मौसम में अपना शरीर गर्म रखने के लिए बेसमेंट में इकट्ठे होकर एक दूसरे को गर्मी देते हैं, और बाकी अकेले बचे नाग राक्षसों के शरीर धीरे धीरे सख्त होने लगते हैं, और जिनके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं होते वो ठिठुरते हुए पैदल घर जाते हैं। रास्ते से गुजर रही एक महिला ने नाग राक्षस की खराब हालत देखकर तुरंत गाड़ी से उतरी और मदद के लिए आगे बढ़ी। ड्राइवर ने ठंड से बचाने के लिए उसे गाड़ी में बिठा लिया। ड्राइवर हीटर चलाने वाली थी ताकि गर्मी मिल सके, लेकिन अचानक ही नाग राक्षस के मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने अचानक से ड्राइवर को धर दबोचा और उसके सामने अपनी असलियत दिखाई और उसकी सारी एनर्जी लेने लगा। तभी ड्राइवर ने उसका हाथ झटका और तुरंत गाड़ी से बाहर निकल के भाग गई। अब नाग राक्षस भी गाड़ी से कूद गया। वो भागना चाहता था लेकिन उसके शरीर में ठंडक बहुत बढ़ गई थी, जिस वजह से वो रास्ते में ही जम के मर गया। अब एक और नाग राक्षस अपने घर जा रहा था लेकिन उसकी गाड़ी बीच रास्ते में ही खराब हो गई, जिस वजह से उसे पैदल घर जाना पड़ा। लेकिन कुछ कदम चलते ही उसे लगा कि वो जमने वाला है। किस्मत से पास में ही कुछ लोग रहते थे। शरीर की गर्मी बढ़ाने के लिए उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया और कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे गर्मी की सख्त जरूरत है। अब जैसे ही उसने मुंह खोला दरवाजे का शीशा तुरंत जम गया। ये देखकर घर की बुढ़िया बहुत हैरान हो गई और तुरंत ही उसने अपनी बेटी को फोन किया। जब बुढ़िया बात करने में बिजी थी तब नाग राक्षस ने पिछले दरवाजे को लात मारकर खोल दिया।